हल्द्वानी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एनएमओपीएस के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर शासन और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वाटिका बैंकेट हॉल से शहीद पार्क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी कार्यक्रम जो कर्मचारियों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए हल्द्वानी पहुंचे और उन्होंने शासन प्रशासन से कर्मचारियों के हित पर कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। इस दौरान विजय कुमार बंधु ने कहा कि कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी छीन ली है। पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। अगर देश के 5 राज्यों ने इस पेंशन को लागू कर दिया है तो उत्तराखंड सरकार को भी इस पेंशन को लागू कर देना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एनएमओपीएस के बैनर पर पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चल रहा है। आज उसी क्रम में हल्द्वानी उत्तराखंड में कार्यक्रम रखा गया है और आप जैसा देख रहे होंगे पीछे जो शिक्षकों कर्मचारियों का जनसैलाब उमड़ा है, इस बात के लिए है कि हमें बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन चाहिए। और 5 राज्यों ने अगर पेंशन बहाल कर दिया तो फिर क्यों उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर रही है, उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर सकती है? तो आज सवाल आया है कि 5 राज्य के बाद उत्तराखंड क्यों नहीं? और यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा एनपीएस कर्मचारी है।